गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4, द क्लेवर जज ऑफ बगदाद। ये स्टोरी थी एक मर्चेंट के बारे में जिसे कहीं पर बहुत दूर कहीं जाना था, तो उसने अपना जो ट्रेजर था यानी अपना जो खजाना था वो अपने नेबर के पास एक जार में ऑलिव्स में छुपा कर रखा था। वो 7 साल तक वापस नहीं आया, लेकिन उसका जो नेबर था उस जार के बारे में भूल गया था। लेकिन एक दिन शाम को उसकी वाइफ ने उसे उस जार के बारे में याद दिलाया, तो वो उस जार को देखने गया। तो उसने जार को खाली किया देखने के लिए, ही जस्ट एम्प्टी द जार टू सी वेदर द ऑलिव्स आर प्रॉपर या फिर वो ख़राब हो गए। उसने देखा, देखने के लिए जार को खाली किया, तो उसे क्या देखा उसमें, उसने देखा कि जार में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। ठीक है, नेवरथलेस आफ्टर सुपर द मर्चेंट एंटर्ड द वॉर हाउस। ठीक है, फाउंड द जार, ओपनड इट एंड फाउंड मोल्डी ऑलिव्स, बट टू सी इफ देर वेयर ऑल इन द सेम कंडीशन टू द बॉटम, ही शुक द जार एंड आउट टम्बल्ड सम ऑफ द गोल्ड पीसेस। उसने क्या देखा कि उसके अंदर गोल्ड के बहुत सारे पीसेज हैं, ऊपर ऊपर ऑलिव्स हैं लेकिन नीचे उसमें सारे गोल्ड के पीसेज हैं। ठीक है, इन द डेज दैट फॉलोड ही थॉट ओनली अबाउट हाउ ही मच स्टील द गोल्ड। अब उसे वो गोल्ड कॉइन देखकर उसके अंदर लालच आ गया और वो सोचने लगा कि मैं इसे कैसे अपने पास रख लूँ। वन मॉर्निंग ही बॉट सम ऑलिव्स एंड देन सीक्रेटली एम्प्टीड द जार बोथ ऑफ द ओल्ड मोल्डी ओलिव्स एंड ऑफ द गोल्ड। उसने क्या किया, एक मॉर्निंग वो बाज़ार गया और वो बहुत सारे ओलिव्स ख़रीद के ले आया। फिर उसने क्या किया, उस ओलिव वाले जार को पूरा खाली किया, उसमें से गोल्ड तो निकाल लिया और ओलिव्स पूरे जार में ओलिव्स ओलिव्स भर दिए। देन फीलिंग द जार एंटायरली विथ न्यू ओलिव्स ही कवर्ड इट अप। क्या किया उसने, जो उसके अंदर गोल्ड था वो तो अपने पास रख लिया और उस जार को पूरे ऑलिव से भर दिया। ठीक है, और वो मर्चेंट उसे कैसे देकर गया था, आधा नीचे की तरफ गोल्ड था और ऊपर की तरफ ऑलिव था, लेकिन नेबर ने क्या किया, उसने उसके साथ धोखा किया, उसने पूरे जार को खाली करके उसमें से गोल्ड कॉइन्स निकाल लिए और पूरे जार में ऑलिव्स ही ऑलिव्स भर दिए। अबाउट अ मंथ लेटर द मर्चेंट अराइव्ड एट बगदाद एंड पेड अ विजिट टू हिज फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद महीने भर बाद क्या हुआ, बगदाद वहाँ पर वापस आया अपने नेबर के पास में अपना जार लेने के लिए। ठीक है, आफ्टर अ वाइल द मर्चेंट आस्क्ड हिज फ्रेंड फॉर अ जार ऑफ ऑलिव्स विच ही हैड लेफ्ट विथ हिम। बगदाद आया अपने नेबर के पास और उससे थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने उस जार के बारे में नेबर से पूछा। He thanked him for having kept the jar safely for all this time. बगदाद ने अपने नेबर को थैंक यू कहा कि आपने मेरा जार बहुत संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बट ऑन ओपनिंग द जार एंड पुटिंग हिज हैंड डाउन एज लो एज ही कुड, ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज टू फाइंड नो गोल्ड पीसेज इन द जार। लेकिन बगदाद बहुत शौक हुआ, उसने क्या किया, जार में अपना पूरा हाथ डाला अंदर तक, लेकिन उसे एक भी गोल्ड पीस उसमें नहीं मिला, उसे पूरा जार्स में सिर्फ ऑलिव्स ही ऑलिव्स मिले। फॉर सम टाइम ही स्टूड मोशनलेस। थोड़ी देर के लिए वो एकदम मोशनलेस हो गया, मतलब एकदम स्टैच्यू हो गया, बिल्कुल स्तब्ध हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। देन ही क्राइड आउट, इज इट पॉसिबल, और वो ज़ोर से चिल्लाया, क्या ये मुमकिन है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। ही इमिजिएटली रिटर्न्ड टू हिज फ्रेंड्स हाउस। वो तुरंत अपने फ्रेंड के घर पे वापस गया। माय गुड फ्रेंड, सेड ही, उसने बहुत ही शांति से उससे बात करी, ना वो उससे लड़ा ना झगड़ा, उसने बहुत प्यार से उससे अपनी फ्रेंड से पूछा, माय डियर फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड, आई पुट इन टू द जार 1000 pieces ऑफ गोल्ड। बगदाद ने अपने नेबर से बोला कि मैंने इसमें 1000 pieces ऑफ गोल्ड के डाले थे, विच आई डू नॉट फाइंड, जो मुझे नहीं मिल रहे।
Perhaps you must have used them in your business. Only tell me, you can repay me. उसने क्या कहा कि मैंने इसमें 1000 pieces गोल्ड के रखे थे, तो आपको वो काम आ गए होंगे, आपने अपने बिजनेस में यूज़ करे होंगे, आप खाली इतना मुझे बता दो, क्या आप वो मुझे वापस दे सकते हो? तो उसके फ्रेंड ने क्या कहा, अब हम ये देखते हैं. द फ्रेंड डिनाइड, डिनाइड मतलब उसने मना कर दिया. द फ्रेंड डिनाइड टेकिंग द मनी, उसने कहा मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं. सून आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड, बहुत देर तक उनके बहसबाजी चलती रही, आर्ग्यूमेंट मतलब बहसबाजी. द मर्चेंट समॉन्ड हिज फ्रेंड टू कोर्ट, उसने क्या कहा, उसे धमकी दी कि अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा. द फ्रेंड टुक एन ओथ, उसके फ्रेंड ने कसम खाई, ओथ लेना कसम खाना, दैट ही नेवर हैड द मनी, कि मैंने ये पैसे नहीं लिए. ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड का मतलब है यहाँ पर समवन चार्ज विथ क्राइम, मतलब उसने कहा कि आप मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. दैट ही हैड नॉट सो मच एज नो सच अ सम एवर एग्जिस्टेड, उसने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं, ना मैंने कभी इतने पैसे, इतना गोल्ड मैंने कभी अपनी लाइफ में ना तो देखा है और ना मुझे पता था कि इस जार के अंदर गोल्ड है. द जज डिसमिस द केस फॉर लैक ऑफ एविडेंस, जज ने क्या किया, वो केस वहीं पर खारिज कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई, बगदाद के पास कोई सबूत नहीं था कि गोल्ड उसने लिया है, इसलिए जज ने उसे केस को ख़त्म कर दिया. एक्सट्रीमली अपसेट द मर्चेंट डिसाइडेड टू सीक जस्टिस फ्रॉम कैलिफ हारून एल रशीद हिमसेल्फ, फिर उसने क्या कहा कि उसने सोचा कि इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा और इसको किसी ना किसी तरीके से मैं इसे ढूंढूंगा कि इसने इस गोल्ड का क्या किया. दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट केस एज अ जज हैड डिसमिस्ड इट, ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्यों, क्योंकि केस जज ने इसे, इस केस को डिसमिस कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. दैट सेम इवनिंग द कैलिफ अकम्पनीड द ग्रैंड विजियर व्हेन डिसग्यूज्ड, विजियर मतलब एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस, एक गवर्नमेंट ऑफिस में वो गया और उसने ये केस वहाँ पर भी डिस्कस किया. द टाउन एज इट इज़ वॉज कस्टम टू डू, वो जो जगह थी वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इंसाफ होते थे. ऑन पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट ही केम टू अ गेटवे थ्रू विच ही सॉ 10-12 चिल्ड्रेन प्लेइंग, फिर वो जैसे ही स्ट्रीट में घूम रहा था, रास्ते पे घूम रहा था, उसने देखा 10 से 12 बच्चे खेल रहे थे. द कैलिफ हर्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन से लेट्स प्ले कोर्ट रूम, कैलिफ ने देखा एक बच्चा बोल रहा है चलो हम कोर्ट रूम खेलते हैं, एक तरह का गेम होता है कोर्ट रूम, है ना, आप लोग भी खेलते होंगे जब आप छोटे थे. एज द फेयर ऑफ द मर्चेंट वॉज वाइडली डिस्कस्ड इन बगदाद द चिल्ड्रन क्विकली एग्रीड ऑन द पार्ट ईच वन वॉज टू एक्ट, ठीक है, जो उसके साथ बीता था वही स्टोरी वहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे और उसमें से एक बगदाद बना हुआ था, तो जब वो बच्चों को खेलते हुए देख रहा था तो उसे लग रहा था कि ये तो मेरी ही स्टोरी है ना. द जज आस्क्ड द मर्चेंट टू स्पीक, तो जो जज बना हुआ था उसने मर्चेंट को कहा कि तुम बताओ क्या बोलना चाहते हो. द एक्टर रिलेटेड एवरी डिटेल, उसने सारा डिटेल बताया कि वो जार मैंने उसके पास में, मेरे नेबर के पास में छोड़ा था, नीचे मैंने गोल्ड कॉइन्स रखे थे, ऊपर मैंने ऑलिव्स रखे थे, लेकिन उसे वो अब मुकर रहा है कि ये मैंने नहीं लिया. द फ्रेंड डिनाइड हैविंग टेकन मनी एंड ऑफर्ड टू गिव द ओथ दैट ही हैड सेड व्हाट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है, वो अब सच बोलने से मुकर रहा है, वो बता नहीं रहा उसने उस गोल्ड का क्या किया. नॉट सो फास्ट सेड द जज, नहीं मैं इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लूँगा. आई माई सेल्फ वुड लाइक टू सी द जार ऑफ ओलिव्स, मैं खुद उस जार को देखना चाहूँगा. द मर्चेंट प्रिटेंडेड टू सेट अ जार बिफोर द जज, तो जो मर्चेंट था उसने क्या कहा कि मैं आपको वो जार नहीं दिखा सकता,
द जज लुक्ड इन टू द जार प्रिटेंडिंग टू ईट सम ही सेड एक दो ऑलिव्स उसने खाए और उसने कहा दे आर एक्सलेंट बट ऑलिव्स कैन नॉट कीप फॉर 7 years एंड बी सो गुड जज ने क्या कहा 7 साल पुराने जो ऑलिव्स हैं वो इतने अच्छे कैसे हैं आज भी इतने अच्छे तो नहीं हो सकते वो तो खराब हो चुके होंगे देयरफॉर वी मस्ट कॉल सम ऑलिव मर्चेंट एंड लेट मी हियर देयर ओपिनियन तो जो लोग ऑलिव्स बेचते हैं मुझे उनसे पूछना है कि ऑलिव्स इतने साल तक ठीक रह सकते हैं क्या ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है इसको आप यहाँ तक अच्छी तरह से रीड करेंगे कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे ओके थैंक यू फॉर टुडे